हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजन डायरी। में आज मैं आपके लिए सावन सोमवार के व्रत की एक रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। ये बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो पूरी रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप के करीब साबूदाना लिया है। तो ये मीडियम साइज़ का जो साबूदाना आता है वो मैंने लिया है, और इसको रात भर मैंने सोख कर लिया है। और ये देखिए सुबह कितने अच्छे से ये फूल गया है। तो इसमें ज़्यादा पानी मत डालिएगा, और थोड़ा पानी डालिएगा जिससे ये खिला खिला रहे। और अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो फोड़ सकते हैं इसको। और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव ली है, ये 4 से 5 मैंने ग्रीन चिली जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और अब यहाँ पे मैंने क्यूमिन सीड लिया है थोड़ा सा। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैंने सादा नमक यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, या व्रत में आप जो भी खाते हैं वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इसको आप जो मन चाहे शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए टिक्की का शेप दे दिया है, ये गोल शेप में दिया है। और इसी तरह मैंने सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। आप भी ऐसे प्रिपरेशन कर लीजिएगा पहले से। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो इसको मैंने शैलो फ्राई करना है, तो मैंने ऑयल चढ़ा दिया था और ये अच्छे से गर्म हो गया। और अब हम इस पर सारी टिक्कियाँ डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए ये बहुत सावधानी से इसमें सारी टिक्कियाँ आप डाल सकते हैं, और इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, याद रहे ये बहुत जल्दी चिपकने लगता है। और तेल आपका बिल्कुल गरम होना चाहिए, अगर हल्का सा गुनगुना रहेगा तो ये फट जाएंगी टिक्कियाँ। तो ये देखिए 1 मिनट के बाद ये देखिए हम इसको पलट देते हैं, तो ये देखिए कितनी क्रंची और क्रिस्पी सा टेक्सचर आ गया है इसमें। तो हम सारी टिक्कियाँ इसको पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से ये पक गई हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो व्रत में आप इसको खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी तो ये होता ही है, आपको एनर्जी भी देगा, क्योंकि साबूदाने में स्टार्च भी बहुत होता है। तो व्रत में ये सही रहता है खाने में। तो ये देखिए हमारे साबूदाने की टिक्कियाँ तैयार हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक उठा के इसको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है। आप आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी और क्रंची होगा। और मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया सा है। तो मैंने एक टिक्की ली है और इसको हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है, और जैसे आपने देखा ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी सा है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं ये भी बताना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।